नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। हम कोशिश करते हैं कि कुछ नया आपको दिखाया जाए। तो उसी दौरान अभी हम निकले हुए थे बसंतपुर के लिए, तो रास्ते में सिसई जो गांव आता है वहीं पे हम आए, तो हमारी नज़र पड़ी एक मेले पे। और यहां पर मेला हर साल, साल में दो बार मेला लगता है, एक दशहरा के बाद और एक होली के बाद। तो इस बार होली की जैसे समाप्ति 20 तारीख को यहाँ पर भव्य मेला का आयोजन किया गया श्री राम धाम पे। और इस मेला के जो करने वाले हैं शायद वो राहुल कुमार निराला है ना, विजय यादव जी हैं, खुद हमारे समक्ष अभी बैठे हुए हैं। और इस मेले की खासियत ये है कि इस मेले में देश भर से यहाँ पे घोड़े लाए जाते हैं बेचने के लिए, और देश भर के व्यापारी लोग भी आते हैं यहाँ से घोड़े ले जाने के लिए। और इसका खास बात यह है कि इस मेले का एक घोड़ा, ऐसा घोड़ा सबसे महंगा घोड़ा इस बार मेले में बना हुआ है, और जिसके लागत ये लोग बता रहे हैं 1 करोड़ रुपये उसका दाम रखा गया है। लेकिन पिछली बार इस मेला में इसको 15 लाख तक इसको पूरा प्राइस दिया गया था, लेकिन इस घोड़ा बिकाया नहीं। और इस बार ये घोड़ा सबसे महंगा इस मेले का, और इस घोड़ा का जो ऑनर, इनसे हम बात करेंगे कि क्या खासियत इस घोड़ा का जिसका लागत महंगा। रंग भी साबुज है, ये चाल का घोड़ा लाखों में एक मिलेगा भैया। तो क्या लगा इसके जोड़े का घोड़ा बिहार में कहीं नहीं है दूसरा? हाँ, मगर ये चाल का नहीं है। इस चाल का नहीं है, चौताल से इतना सुंदर चलता है जो देखकर पब्लिक का दिल खुश हो जाता है। खान पान क्या इस घोड़ा का? खान पान में हम लोग चोकर खिलाते हैं, धान खिलाते हैं, बाजरा खिलाते हैं, चना भी थोड़ा देते हैं, यही सब खिलाते हैं। दर्शक हमारे जो दर्शक अभी देख रहे हैं, इस घोड़ा को लेना चाहते हैं, हाँ, क्या करना होगा, किस तरह से मुलाकात होगी आप लोगों से यहाँ? नंबर से भी होगा, हम इन्हीं टाइम में ही रहते हैं। नंबर अपना बता दीजिए। नंबर हमारा 9001600759। यानी इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो बात हो जाएगा? हाँ, बात हो जाएगा। और देखा जा रहा है कि और बहुत सारे घोड़े हैं इस मेले में, और मेला का आयोजन आप ही कराए हैं? हाँ, तो हमारा ही मेला है, हमें मालिक। और कितना दिन तक मेला चलेगा ये? मेला 30 तारीख तक रहेगा। 30 तारीख तक, और जैसा कि 28 तारीख को कोई आप एक यहाँ पर रेस रखे हुए? हाँ, 28 को रेस होगा। उस रेस में कितने घोड़े शामिल होंगे? 40 से 45 घोड़ा शामिल होंगे। पटना से आएंगे, हाजीपुर से आएंगे, मुजफ्फरपुर से आएंगे। और बिहार के किस जिले के यहाँ पे घोड़े अभी अवेलेबल हैं? बिहार में तो समझिए तो हर जिला का है, यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है, पंजाब से भी पंजाबी लोग लाए हैं। मतलब भारत पूरे कोने-कोने से? हाँ, कोने-कोने से आया है। व्यापारी लोग कहाँ कहाँ से? कोने-कोने से आए। व्यापारी भी कोने-कोने? हाँ, बंगाली है, उड़ीसा से, उड़िया लोग कटक से आए हैं खरीदने के लिए। हाँ, कलकत्ता से, केनिन से आया है बंगाली सब, नेपाल से भी आया है सब, और उत्तर प्रदेश से भी लोग आए हैं। तो क्या कहना चाहिएगा हमारे चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं, जो घोड़ा के शौकीन हैं, जो घोड़ा लेना चाहते हैं? हाँ, उन लोगों से क्या अपील कीजिएगा, क्या बोलिएगा? क्या बोलेंगे? बोलेंगे जो जितना दे देगा उतना ले लेंगे। आपका डिमांड क्या है इस घोड़ा के लिए? 1 करोड़ रुपया है दाम। कितना तक में दे दीजिएगा? बरहमपुर से इसका दाम 1 करोड़ बाबू हो गया है। कोई लेना चाहता है, अगर जिसको पसंद आ जाता है, लेना चाहता है, तो कितना तक? अच्छा, वो आएगा तो बात होगा। नंबर है आपका ना? वो अपना नंबर देगा, हमारा नंबर हर चैनल पर है, पर्ची पर है, टीवी में है, हर जगह। तो देखिए, ये विजय यादव, उनसे बात होगी, अगर अच्छा मूल्य मिलता है घोड़े का तो निश्चित ही घोड़ा हम देंगे। लेकिन ये दावे के साथ इनका कहना है कि ये दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ कि जो भी इस मेले में जितने भी घोड़े आए हैं, सबसे कोई अगर बेस्ट घोड़ा है तो यही घोड़ा है, और सबसे ज़्यादा कीमत वाला कोई घोड़ा है तो यही घोड़ा। इस घोड़ा का क्या नाम है? साधु। साधु साधु नाम है। साधु, सवार में राहुल कुमार।